नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्सन के एक पेटेंट दवाई के बारे में, जिसका नाम है बैक्सन हेयर एड जेल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कहां काम आता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, लगाने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोज से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये जेल बना है कुछ होम्योपैथी दवाइयों से, और इसको हम लगाते हैं बालों पर, स्कैल्प पर। इसे लगाने से होता क्या है, जिन लोगों को हेयर लॉस की समस्या होती है उसको ठीक करती है, यानी हेयर लॉस को कंट्रोल करती है। इसके अलावा हेयर रीग्रोथ में भी ये जेल मदद करता है, क्योंकि इसमें दवाइयाँ डाली गई हैं। इसके और भी फायदे होते हैं, जैसे ये जेल लगाने से बालों में शाइनिंग आती है, ये डैंड्रफ को भी दूर करता है, जिन लोगों को डैंड्रफ की समस्या होती है, लंबे टाइम से सेबोरिक डर्मेटाइटिस के खासतौर पर पेशेंट हैं, तो आपके लिए ये फायदेमंद रहता है। इस जेल में सफ़ेद बालों के लिए, यानी प्रीमेच्योर ग्रे ऑफ हेयर के लिए भी कुछ दवाइयाँ डाली गई हैं। सफ़ेद बालों को ये दवाई कंट्रोल करती हैं। ये जेल लगाने से पेशेंट के हेयर फॉल की समस्या तो ठीक होती है, बालों की रीग्रोथ भी होती है, डैंड्रफ भी दूर होता है। इसके अलावा सफ़ेद बालों के लिए भी बहुत असरदार रहती है, और इसके लगाने से बाल बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, शाइनिंग बालों में आ जाती है। इसके अलावा ये बालों को पोषण देने का काम करता है, नरिशमेंट देने का काम करता है, क्योंकि इसमें डाली गई हैं होम्योपैथी दवाइयाँ, जैसे अर्निका। अर्निका बालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, रीग्रोथ में मदद करती है, हेयर फॉल को कंट्रोल करती है। ये स्कैल्प पर पेशेंट के ब्लड सर्कुलेशन को सही करती है, जिससे पेशेंट के बालों की गिरने की समस्या ठीक होती है। सफ़ेद बालों में भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा इसमें जो बोरंडी डाली गई है बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, ख़ासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनके समय से पहले ही सफ़ेद बाल होने शुरू हो गए हैं, बालों की समस्या में लगातार देखने को मिलती है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट में ये दवाई देने से डैंड्रफ दूर होता है। इसके अलावा इसमें कैंथेरेस है, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण इसमें होते हैं, यानी पेशेंट के स्कैल्प पर अगर कोई इन्फेक्शन हो या फिर पेशेंट को वहाँ पर खुजली देखने को मिलती हो, तो ऐसे केस में कैंथेरेस बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें ब्राह्मी डाला गया है, ब्राह्मी बहुत फ़ायदेमंद रहता है बालों के लिए, पोषण देने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, सफ़ेद बालों को होने से रोकता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हानिकारक कुछ भी नहीं डाला गया है। हर्बल दवाइयाँ डाली गई हैं, होम्योपैथी दवाइयाँ हैं, जिनके फ़ायदे हैं लेकिन कोई नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, अब इसके लगाने के तरीके की बात की जाए तो इसको जनरली आप दिन में एक से दो बार लगा सकते हैं, अपनी हाथों की हथेलियों पर या फिंगर्स पर ले सकते हैं, फिर उसको बालों पर लगा लें। दोस्तों, गीले बालों पर न लगाएं, सूखे बालों पर ही लगाएं, या तो टॉवल से अपने बालों को पोंछ लें, या फिर जब बाल सूख जाएं तभी इसको लगाएं, ऑयल साथ में न लगाएं। ऐसी ही कुछ सावधानियां आपको बरतनी होंगी, आंखों से भी इसे बचा कर रखें। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है और आप इसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, कोई सलाह लेना चाहते हैं, तो अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।